खरगोन हिंसा पर विवादित ट्वीट मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बीजेपी ने सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का लगाया था आरोप। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने क्राइम ब्रांच को दिया था शिकायती आवेदन। खरगोन हिंसा के बाद शहर में तीसरे दिन भी कर्फ्यू जारी। उपद्रवियों के ठिकानों पर आज भी कार्रवाई जारी। 50 से ज्यादा अवैध मकान और दुकानों को तोड़ा। देर रात बसों और कार में आग जली। अब तक 92 से ज्यादा उपद्रवी गिरफ्तार। दंगाइयों से होगी नुकसान की वसूली। क्लेम्स ट्रिब्यूनल की अधिसूचना राजपत्र प्रकाशित। सीएम के निर्देश के बाद ट्रिब्यूनल का गठन। डॉक्टर शिव कुमार मिश्रा रिटायर्ड जज को बनाया गया अध्यक्ष। रामनवमी पर खरगोन हिंसा पर सियासत तेज। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का कमलनाथ और दिग्विजय पर तंज। कहा एक शब्द भी नहीं बोले कमलनाथ। दंगाइयों के पक्ष में दिग्विजय। खरगोन का संजय नगर बना एमपी का कैराना। कई घरों में लिखा है मकान बेचना है। एक साल में करीब 25 परिवारों ने छोड़ा संजय नगर। शिवराज कैबिनेट की बैठक में अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। पटवारी के 5000 नए पदों के प्रस्ताव को मंजूरी। त्यूथर माइक्रो सिंचाई परियोजना को मंजूरी। शिवराज कैबिनेट के कई अहम फैसले। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बने चैंपियंस ऑफ द चेंज मध्य प्रदेश। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने मुख्यमंत्री का किया सम्मान। कला और सियासत से जुड़ी कई हस्तियों का भी हुआ सम्मान।